आज हम बनाएंगे चिकन सूप। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे पानी, फिर इसमें डालेंगे चिकन। मैंने यह चिकन ब्रेस्ट को हाफ कर लिया है, अगर कोई चाहते हैं तो चिकन पीसेस भी ले सकते हैं। फिर कढ़ाई में हम डालेंगे लौंग, इलायची और दालचीनी। उसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक और कढ़ाई के ढक्कन लगा देंगे। उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। देखिए कढ़ाई में उबाल आ चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे हरा मिर्च। हरा मिर्च डालने के बाद फिर कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और चिकन बॉईल होने तक हम इंतजार करेंगे। ढक्कन खोल के हम देखेंगे चिकन बॉईल हुआ है कि नहीं। देखिए चिकन बॉईल हो चुका है। अब कढ़ाई से चिकन और जितना सारा मसाला था उसको हम हटा लेंगे। उसी पानी के अंदर डालेंगे गाजर बारीक कटा हुआ, हरा बीन्स बारीक कटा हुआ। गाजर और बीन्स को बहुत अच्छे से पानी के साथ मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और बॉईल होने तक हम इंतजार करेंगे। देखिए हमारा जो सब्जियां है ये बॉईल हो गया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे पीट किया हुआ अंडा। अंडा को एक ही बार में नहीं डालना है, अगर एक ही बार में डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के कुकिंग स्पून की मदद से बहुत अच्छे से मिला लेंगे, वो भी तुरंत मिलाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम अंडा डालेंगे कढ़ाई में चूल्हा की आँच तक कम होनी चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ चिकन। जो चिकन हमने बॉईल किए थे उसको ही हम जूलियन साइज में पीसेस कर लिया है। फिर से और एक बार ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हटा के बीच बीच में चलाना पड़ेगा। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के साथ मिला के दिया है। फिर और एक बार चला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे सोया सॉस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालना पड़ेगा। उबल आने के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। जब सूप थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। देखिए हमारा जो चिकन सूप है ये बनके तैयार है। इसको आप टोस्ट के साथ सर्व करें।